वेलकम टू टीवी का पटाका। दोस्तों, प्रियंका चाहर चौधरी जो बिग बॉस सीजन 16 की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है बिग बॉस ट्रॉफी के लिए, ऐसे में दोस्तों बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले अब कुछ ही दिनों में होने वाला है और ऐसे में एक एक करके सभी कॉन्टेस्टेंट्स के जर्नी वीडियोस तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे खास होने वाला है प्रियंका चाहर चौधरी का जर्नी वीडियो, जिसमें आपको प्रियंका की बिग बॉस की जर्नी की पांच बड़ी चीजें, पांच बड़े हाइलाइट्स आपको उस वीडियो में देखने को मिलेंगे। लेकिन वीडियो में सबसे खास होगा स्टार्टिंग का इनिशियल पार्ट, जिसमें अंकित और प्रियंका का प्यार, दोनों की दोस्ती को दिखाया जाएगा। इसी के साथ साथ पांच बड़ी चीजें आपको प्रियंका के जर्नी में देखने को मिलेंगी, जिसके लिए फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि प्रियंका चाहर चौधरी के बिग बॉस के कम्प्लीट जर्नी वीडियो में क्या कुछ आप देखेंगे, क्या कुछ बताया जाएगा। सबसे पहला जो वीडियो स्टार्ट होगा और सबसे पहले पार्ट में जो दिखाया जाएगा वो अंकित और प्रियंका की दोस्ती होगी। दोनों आपस में कितना लड़े, कितना झगड़े, लेकिन जब बात एक दूसरे की आई तो दोनों ने खुद को भुला दिया और एक दूसरे के लिए डटे रहे। दोनों की दोस्ती बहुत ही ज्यादा प्योर थी, बाकियों की तरह नकली नहीं। दोनों ने लड़ाई भी की तो दोनों ने सुलह भी की। ऐसे में अगली बड़ी चीज जो आपको प्रियंका के वीडियो में देखने को मिलने वाली है वो है प्रियंका का गेम में अकेले खेलना। हमेशा से ही बिग बॉस के पहले दिन से लेकर आज के दिन, यानी कि ग्रैंड फिनाले से कुछ ही दिन पहले, आखिरी हफ्ते में भी आप लोगों को प्रियंका चाहर चौधरी गेम में अकेली खेलती हुई नजर आएंगी। प्रियंका पहले दिन से ही गलत के खिलाफ खड़ी रही। प्रियंका ने कभी कोई दोस्त नहीं बनाया, प्रियंका ने घर में इंडिविजुअल गेम खेला। कई सारे कॉन्टेस्टेंट्स को देखा गया कि नॉमिनेशन से बचने के लिए, एलिमिनेशन से बचने के लिए उन्होंने फेक दोस्ती, फेक प्यार, फेक अलायंसेस भी तैयार किए। कैप्टन बनने के लिए जोरदार ड्रामा किया, लेकिन प्रियंका ने कभी कुछ नहीं किया। प्रियंका ने जो किया अकेले किया और अपने दम पर किया। नॉमिनेशन से प्रियंका कभी नहीं घबराई। वहीं तीसरा और सबसे बड़ा पार्ट उस वीडियो में जो आपको देखने को मिलने वाला है वो है प्रियंका और अर्चना की दोस्ती। प्रियंका और अर्चना की दोस्ती घर के अंदर सबसे ज्यादा खास रही, क्योंकि दोनों एक दूसरे की ऐसी दोस्त थी जिन्हें अपना अपना गेम सबसे ज्यादा प्यारा था। दोनों ने अपनी दोस्ती भी निभाई और घर का गेम भी खेला। दोनों ने मिलकर घर वालों की बुरे तरीके से बैंड बजा दी। वहीं दोस्तों, चौथे पार्ट में आपको देखने को मिलेगा प्रियंका की वीकेंड के वार पर होती बैशिंग। वीकेंड के वार में हर बार प्रियंका को टारगेट किया गया, प्रियंका की बैशिंग हुई, प्रियंका की हिम्मत को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन प्रियंका डटी रही, प्रियंका अपना गेम खेलती रही। वहीं पांचवी और आखिरी चीज जो आपको देखने को मिल सकती है वो है प्रियंका का मंडली के खिलाफ खड़ा होना। आज भी बिग बॉस के घर के अंदर प्रियंका वर्सेस मंडली ही चल रहा है। मंडली अभी भी साथ है, भले ही मंडली में कम लोग बच गए हैं, लेकिन प्रियंका हर किसी का डटकर सामना कर रही है। दोस्तों, वीडियो में आपको सबसे खास एक और चीज देखने को मिलेगी और वो है लास्ट मोमेंट पर हुई प्रियंका और टीना दत्ता की दोस्ती, जो अचानक से हुई और इतनी ज्यादा स्पेशल हो गई, इतनी ज्यादा खास हो गई कि बिग बॉस के इतिहास में इस दोस्ती को याद जरूर रखा जाएगा। प्रियंका के लिए घर के बाहर भी टीना बहुत ज्यादा सपोर्ट मांग रही है और हर किसी को बता रही है कि उनकी बेस्ट फ्रेंड, उनकी दोस्त प्रियंका ही बिग बॉस जीतेंगी। क्या कहेंगे आप बिग बॉस के इस जर्नी वीडियो पर जो प्रियंका पर दर्शाया जाने वाला है? आप लोग इस वीडियो के लिए कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।